इस मॉड्यूल में हम आर्थ्रोपोड्स के सब फाइलम हेक्सोपोड्स में ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स के अंदर वो इंसेक्ट्स जिनके अंदर ए मेटाबोलिस का प्रोसेस होगा ग्रीक वर्ड्स ए का मतलब है विदाउट और मेटाबोलिस का मतलब है चेंज यानी जिनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे ए मेटाबोलस ऐसी मेटामॉर्फोसिस में यूजुअली जो अडल्ट के और लार्वा के दरम्यान डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी ऑफ देयर बॉडी साइज एंड सेक्सुअल मेचोरिटी यानी यंग वर्न जो हैं दे विल नॉट बी सेक्सुअली मेच्योर बट अडल्ट स्टेज इज़ यूजुअली सेक्सुअली मेचोर और इसमें दोनों स्टेज जो हैं अडल्ट स्टेज और लार्वल स्टेज दोनों की दोनों विंगलेस होंगे अब नंबर ऑफ मोल्टिंग हम किसको कहते हैं जब एक स्टेज से अगली स्टेज पे डेवलपमेंट आती है तो उसमें उस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे मोल्टिंग इस मोल्टिंग के प्रोसेस के दौरान इंसेक्ट्स जो है अपना क्यूटिकल दे शेड ऑफ और उसके बाद नया क्यूटिकल अमर्ज होता है अब इसमें नंबर ऑफ मोल्ड्स कितने होंगे डेवलप करने में ये डिपेंड करता है इंसेक्ट की हर स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मोल्ड्स हैं कुछ में दो हैं तीन हैं चार हैं और यूजुअली मोल्टिंग जो है दिस प्रोसेस इन इंसेक्ट इट कंटिन्यूज टिल द टाइम सेक्शुअल मेचोरिटी इज एटेंड सिल्वर फिश को अगर हम लें जो कि ऑर्डर था से बिलोंग करती है दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाबोलस मेटामोरफोसिस ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स जो कि विंगलेस इंसेक्ट्स हैं अभी हमने सिल्वर फिश की इसमें बात की इनका लाइफ साइकिल जो है दैट इज ऑल्सो यूनिक यूनिकमिट इज डिफरेंट फ्राम अदर मेटाबॉलिक इंसेक्ट्स अब इसमें अडल्ट जो हैं नॉर्मली दे ले एग्स एग्स जो हैं दे डिवेलप इन टू इमेच्योर इंसेक्ट्स एग्स मिनीचर्स में डिवेल्प कर जाएंगे वो मिनीचर जो हैं दे विल भी सेम टू दडल्ट बट दे आर बॉडी साइज इज स्मॉलर एंड दे आर इमेचोर अब इमेचोर सिल्वर फिश जो है दिस विल टेक सिक्स टू सेवन मोल्ड्स टिल द टाइम इट रिचिज द साइज़ ऑफ द अडल्ट और उसके बाद जो है जैसे सिल्वर फिश में हमने बात की सिक्स टू सेवन मोल्ड्स होंगे इस तरह मुख्तलिफ मेटाबोलिक इंसेक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्ड्स कितने होंगे ये हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट है इस डायग्राम से हम ए मेटाबोलिक्स मेटामॉरफोसिस को एक्सप्लन करेंगे यहाँ पे आप देखें अडल्ट अडल्ट विल एग एग विल डिवेलप इंटू यंग लारवा अब एग से हेचिंग होगी और वो डिपेंड करेगी कि इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और यंग लारवा जो है दिस विल डिवेलप इंटू दि टर्मिनल लारवा टर्मिनल लारवा विल डिवेल्प इन टू प्यूपा प्यूपा विल डिवेलप इंटू अडल्ट अब इसमें यह सारी डवेलपमेंटल स्टेज जो हैं टिपिकली ये हर इंसेक्ट के अंदर इसका लाइफ स्पैन जो है वो डिफरेंट है एग से लेके यंग लार्वे तक पीरियड डिफरेंट होगा यंग लार्वे से टर्मिनल लार्वे तक पीरियड डिफरेंट होगा और टर्मिनल लार्वे से प्यूपे तक इसका पीरियड डिफरेंट है अब ये ए मेटाबोलस है इसके अंदर ये सेवरल मोल्टिंग स्टेजेस आएंगी एंड बिकॉज इट इज़ विदाउट ए मेटाबोलस मेटामॉरफोसिस This may four stages jo hai, they will repeat and pupa jo hai, this will be different from that of the adult but as soon as adults is formed it will attain its size and other its organs they are matured. It reaches to sexual maturity and again it lays eggs and this life cycle is repeated again and again in the universe.